जाता है कि यदि आपके इरादे बुलंद हैं और कुछ करने के जुनून रखते हैं तो आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वैसे ही प्रेरक की कहानी यह भी है, क्योंकि जब कोविड की वजह से क्लास अभी बंद चल रहे थे उसी दरमियान हम उससे पहले वीडियो नहीं बनाते थे, लेकिन हमारा वीडियो क्रिएट करने का सिलसिला जो है ना 2020 नवंबर से शुरू हुआ। फर्स्ट वीडियो इसी क्लास से हमने डाला था और ऑफलाइन क्लास काफ़ी ज़्यादा कोविड की वजह से बच्चे भी डरे हुए थे, क्योंकि मीडिया वाले ने गौर से देखी या घर से बाहर निकलिएगा तो हो सकता है कि आपको कोविड लग जाए, ये लग जाए, तरह तरह की वीडियो बनाए थे जिससे ऑफलाइन क्लास चालू नहीं था। उसी समय से हमने यूट्यूब वीडियो क्रिएट करना शुरू किया। काफ़ी लोगों ने गाँव में पहले से भी काफ़ी लोग क्रिएट करते थे वीडियो, उन लोगों का ये अवधारणा था कि यूट्यूब पर सिर्फ वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, सफल होना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। और इसी चीज़ का ये जीता जागता मिसाल, शायद आप लोग का प्यार सपोर्ट अगर नहीं होता तो शायद हम भी नहीं कर पाते, और आप लोग का सपोर्ट समर्थन मिला जिसके वजह से लगभग YouTube चैनल हमारा मोनेटाइज भी हो गया है और लगभग पेमेंट आने भी शुरू हो गए हैं। तो ये तभी संभव है जब आपने मदद किया है, जब आपने सपोर्ट किया है हमें। अगर आप ना होते तो सच में लोग जो बोलता था वो बात सत्य हो जाता, लेकिन हमने काम भी किया और लगभग अनवरत लगभग 850 वीडियो हमें डालना पड़ा। काफ़ी लोग तो 50-100 भी डालते हैं तो उनका वीडियो वायरल हो जाता है, हमारा वीडियो तो वायरल आज भी नहीं होता है, रेगुलर वॉच में जो चलना होता है वही चलता है। तो आप लोगों के सपोर्ट और प्यार ने लगभग लगभग हमारा चैनल मोनेटाइज करा दिया है और लगभग आना शुरू हो गया। लेकिन आज ये चीज़ें हम स्पेशल इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये यूट्यूब का पैसा ही है जिसके वजह से ये सारे काम हो रहे हैं। तो वही निगेटिव अगर एनर्जी आपके पास है तो पॉजिटिव आप स्वयं हैं। अगर करने की जुनून आप में है तो क्या फर्क पड़ता है, पैर खिंचाई करने वाले तो हजारों होंगे, जो भी काम कीजिएगा उसमें गलत निकलने वाले भी हजारों होंगे। काफ़ी लोग मेरे भी आलोचनाएं किए, काफ़ी क्रिटिसाइज का हमने भी सामना किया है और तब जाकर के लगभग लगभग इस मुकाम पे पहुंचे, लगभग काम शुरू है। दनादन देखा जाए तो चारों तरफ काम शुरू है क्योंकि फिनिशिंग का काम अभी देखो ऊपर करकट रखा हुआ है, छत नहीं है। आप लोग का सपोर्ट और प्यार रहा तो बहुत जल्दी ये करकट हटा करके छत भी इसको करने का हमने योजना बना रखी है। और यहाँ पे ये देखिए ये व्हाइट बोर्ड हम रखे हैं, व्हाइट बोर्ड है जो कि आने वाले दिनों में हम चाहते हैं कि व्हाइट बोर्ड ना रहे, यहाँ पे डिजिटल बोर्ड हम लगाना चाहते हैं। और ये तभी संभव है जब आप लोग का सपोर्ट और प्यार रहेगा। तो इसी तरह प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा, हम आपके साथ जो भी होगा हमारे दिनचर्या में जो भी होता है ब्लॉग चैनल पर तो एक्चुअली दिखाते हैं, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि इसी चैनल के माध्यम से क्यों ना दिखाएं, क्योंकि यही चैनल हमारा क्या है, मोनेटाइज्ड है, ठीक है ना। यही चैनल हमारा मोनेटाइज है जिसपे यहाँ पे एक कंप्यूटर के लिए एक रूम बनाया गया है, कंप्यूटर के लिए ये रूम हमने एक क्रिएट किया है, ये कंप्यूटर के लिए बेसिकली ये बनाया गया रूम है, देख लीजिए छोटा साइज का भी स्पेस इसमें बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो ये रूम भी है लगभग हमने कंप्यूटर सेंटर के लिए इसको खास तौर से विशेष रूप से इसको बनाया गया है, जो कंप्यूटर हम चाहते हैं कि इसमें कंप्यूटर एक दरवाज़ा यहाँ पे लोहा कहीं लगाया गया है ताकि कंप्यूटर थोड़ा सिक्योरिटी वाला चीज़ होता है और उसके लिए लोहा का दरवाज़ा भी यहाँ पे लग चुका है। और धीरे धीरे काम अपना जोरों शोर पे है, आलोचनाओं का सामना मुझे काफ़ी करना पड़ा है, लेकिन आप लोगों के प्यार ने ये साबित कर दिया है कि चाहे आपकी आलोचनाएँ कितनी भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका डेडिकेशन सही होना चाहिए। और लगभग लगभग हमने काम किया है दो साल मुझे लग गए हैं YouTube से अर्न करने में। तो ये 2 साल का सफ़र जो रहा है ना लगभग मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है, YouTube पे वीडियो कैसे क्रिएट करते हैं, लोगों के बीच में अपना पहचान बिल्डअप कैसे करके क्रिएट करके कैसे रखा जा सकता है। तो ये सब कुछ अगर संभव हो पाया है तो वन एंड ओनली योर लव, आई एम नथिंग विदाउट योर सपोर्ट एंड विदाउट योर लव, कीप योर लव विथ मी। अपना प्यार और सपोर्ट मुझे बनाए रखिए और शायद हो सकता है कि आने वाले दिनों में इससे भी कुछ बेहतर, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे डिजिटल बोर्ड भी लगाने वाले हैं, बहुत जल्दी लगाने वाले हैं। काफ़ी लोगों को जो भी अवधारणा है मेरे बारे में क्या सोचता है इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें जो करना है वो हम करते रहते हैं। ऑनेस्टली बच्चों को जब हमने जॉब छोड़ा था, जॉब छोड़ करके जब हमने पढ़ाने का निर्णय लिया था, तब से लगभग लगभग हमारे काफ़ी ज़्यादा आलोचनाएँ की गई थी कि जॉब छोड़ करके ये ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तरह तरह के लोगों का ये सोच था और लोगों का ये मानना था कि सफल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हम बोले कि हम अपने ईमानदारी पूर्वक अगर कोई भी काम करते हैं, कहीं भी काम करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसे में भी है मेरे ही गांव के लगभग लगभग 70-80% विद्यार्थी मेरे पास आते हैं, लेकिन इसमें 30-40% ऐसे विद्यार्थी हैं जो मेरे पास नहीं आते, तो कहीं ना कहीं उन्हें हम पसंद नहीं होंगे हमारी, या फिर हमसे जलन रखते होंगे, कुछ तो रखते होंगे जिसकी वजह से वो मेरे पास नहीं रहते हैं। तो ऐसे लोगों को हम निगेटिव ही समझते हैं और जाए जहाँ पढ़ना है वहाँ पर पढ़े, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जितना है मेरे पास, अगर मान के चलिए कि 100 में से 10 हमसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं,
दस नहीं करते हैं, तो हम दस को गिने कि नब्बे को गिने, तो हम नब्बे को ध्यान में रख के चलते हैं, बाकी लोग हमारे बारे में क्या सोचता है कोई फर्क नहीं पड़ता।